नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के, और आज हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ यानी कंपनी अधिनियम। इससे हम सबसे पहले 20 प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वे पहले 20 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला, कंपनी है ए व्यवसाय, बी पेशा, सी कृत्रिम व्यक्ति, डी सरकारी संस्था। इसका उत्तर है सी कृत्रिम व्यक्ति। दूसरा प्रश्न है, कंपनी की परिभाषा दी गई है ए अधिनियम की धारा 230 में, बी अधिनियम की धारा 220 में, सी अधिनियम की धारा 202 में, और डी अधिनियम की धारा 240 में। इसका उत्तर है बी अधिनियम की धारा 220 में। अब तीसरा प्रश्न है, कंपनी के पृथक अस्तित्व से क्या तात्पर्य है। ए कंपनी अपने सभी सदस्यों एवं अंशधारियों से अलग है, बी सरकारी नियमों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, सी कंपनी का प्रधान कार्यालय देश से बाहर है, और डी कंपनी के धोखाधड़ी का अंशधारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उत्तर है ए यानी कंपनी अपने सभी सदस्यों एवं अंशधारियों से अलग है। चौथा प्रश्न, हर कंपनी पंजीकृत होता है ए भारतीय संविधान के अंतर्गत, बी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, सी सरकारी नियमों के अंतर्गत, और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न, कंपनी के शाश्वत अस्तित्व से तात्पर्य है ए कंपनी को विधान के द्वारा विघटित किया जा सकता है, बी कंपनी को सरकार के द्वारा विघटित किया जा सकता है, सी कंपनी सतत रूप से चलती रहती है, किसी भी तरीके की क्षति का इस पर कोई असर नहीं होता, डी कंपनी युद्ध के समय विघटित हो जाती है। इसका सही उत्तर है सी यानी कंपनी सतत रूप से चलती रहती है, किसी भी तरीके की क्षति का इस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी युद्ध होता है देश से, तो अगर उस देश में सारे लोग मर जाते हैं या पूरी संपदा नष्ट हो जाती है, फिर भी वो कंपनी क्या करेगी, चलती रहेगी। छठवां प्रश्न, कंपनी का दायित्व होता है ए सीमित, बी असीमित, सी सीमित और असीमित दोनों हो सकता है, और डी अधिनियम के अनुसार। इसका उत्तर है ए यानी सीमित। सातवां प्रश्न, कंपनी का अंश हस्तांतरित किया जा सकता है ए एक अंशधारी से दूसरे अंशधारी को, बी सरकार को, सी एक अंशधारी के द्वारा कंपनी के निदेशक को, और डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी को। आठवां प्रश्न, कंपनी अधिनियम के अनुसार हर कंपनी के लिए मुहर ए आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है, सी दो मुहर रखा जा सकता है, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आवश्यक है, क्योंकि जब कंपनी लॉ आया था तो उसमें जब 2015 में अमेंडमेंट आया तो ये बता दिया गया कि कंपनी को मुहर रखना कोई अनिवार्य नहीं है। नौवां प्रश्न, कंपनी हो सकता है ए निजी कंपनी, बी सार्वजनिक कंपनी, सी एकल व्यक्ति कंपनी, और डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी उपरोक्त सभी। दसवां प्रश्न, कंपनी होता है ए वित्तीय संस्था, बी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, सी बैंक, और डी उपरोक्त सभी। उत्तर इसका है डी उपरोक्त सभी, यानी ये सब कंपनियां हो सकती हैं। ग्यारहवां, सीमित दायित्व से ये तात्पर्य है ए देनदार सीमित हैं, बी सदस्य सीमित हैं, सी लेनदार सीमित हैं, डी ऋण पत्रधारी सीमित हैं। इसका उत्तर है बी यानी सदस्य सीमित हैं। बारहवां प्रश्न, यदि कंपनी ऋण ना दे पाए तो केस दर्ज होगा ए निदेशक के खिलाफ, बी सदस्यों के खिलाफ, सी
कंपनी के खिलाफ और डी अधिकारियों के खिलाफ। इसका उत्तर है 13वां प्रश्न, भारतीय कंपनी अधिनियम आधारित है ए ऑस्ट्रेलियन कंपनी अधिनियम पे, बी जर्मनी के कंपनी अधिनियम पे, सी अंग्रेजी कंपनी अधिनियम पे और डी अमेरिकन कंपनी अधिनियम पे। इसका उत्तर है सी अंग्रेजी कंपनी अधिनियम पे, यानी इंग्लैंड के कंपनी अधिनियम पे। 14वां प्रश्न, भारत में पहली कंपनी अधिनियम पास हुई ए 1947 में, बी 1857 में, सी 1956 में और डी 1850 में। इसका उत्तर है बी यानी 1857 में। 15वां प्रश्न, कंपनी कानून ट्रिब्यूनल का प्रधान कार्यालय है ए नई दिल्ली में, बी चेन्नई में, सी मुंबई में और डी कोलकाता में। इसका उत्तर है ए नई दिल्ली में। अब आते हैं 16वें प्रश्न पे, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है ए 3, बी 7, सी 2 और डी 10। इसका उत्तर है सी यानी 2 सदस्य। 17वां प्रश्न, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है ए 2, बी 7, सी 10, डी 3। इसका उत्तर है बी यानी 7 सदस्य। 18वां प्रश्न, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है ए 10, बी 300, सी 200 और डी 100 सदस्य। इसका सटीक उत्तर है सी यानी 200 सदस्य। 19वां प्रश्न, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है ए 500, बी 1000, सी 10 लाख, डी कोई सीमा नहीं। इसका सटीक उत्तर है डी यानी कोई सीमा नहीं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एकल व्यक्ति कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है ए 2, बी 3, सी 1, डी 5। इसका उत्तर है सी यानी 1 सदस्य। मेरे प्रिय साथियों, अगले वीडियो में हम 20 और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि हम हर सब्जेक्ट से 100 प्रश्नों को लेकर आएंगे आपके समक्ष। हमने इस वीडियो का नोट्स बना करके अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप वहां पर जाकर भी इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।